साथियों, केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज, उस पर खर्च कम से कम हो, ये इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। इसलिए आज एम्स मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सुविधाओं और गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने पर, एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर हम काम कर रहे हैं, उस पर बल दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हिमाचल के अधिकतर परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इस योजना के तहत अभी तक देश भर में 3,60,00,000 गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है और इसमें से 1.5 लाख तो लाभार्थी ये मेरे हिमाचल के मेरे परिवारजन है। देश में इन सभी साथियों के इलाज पर सरकार अब तक 45,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। अगर आयुष्मान भारत योजना ना होती तो इसका करीब 2 गुना यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए इन जो मरीज लोग थे उन परिवारों को अपने जेब से देना पड़ता, यानी इतनी बड़ी बचत भी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बेहतरीन इलाज के साथ मिली है।